डिस्कस करेंगे हम लोग एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करना है लिनक्स सिस्टम में, ठीक है। एफटीपी सर्वर का काम क्या होता है, एफटीपी तुम लोग को थोड़ा इसका मैं थ्योरी बोल दूं दो तीन कि एफटीपी सर्वर का रोल क्या है। समझ लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और तुम भाई किसी काम के लिए तुम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हो, ठीक है। तुम ऑफिस में नहीं हो, ऑफिस का बाहर हो और तुम अपना सिस्टम लेके बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो तुमको कभी जरूरत पड़ा कि कुछ सॉफ्टवेयर का तुमको जरूरत पड़ा, या तो तुमको कोई भी कोई डाटा जो है ऑफिशियल जो डाटा है तुमको क्या करना है, अपना हेड ऑफिस में तुमको सेंड करना है, ठीक है। या तो हेड ऑफिस से तुमको कोई डाटा लेना है तो सेंड करना है, जो फाइल से जुड़ा हुआ, एनी काइंड ऑफ फाइल, कुछ भी फाइल हो सकता है तुम्हारा ऑफिस जुड़ा हुआ। तो किसी भी तरह का फाइल जब तुमको अपना सेंट्रल लोकेशन से लेना है, डाउनलोड करना है, तो सेंट्रल लोकेशन को देना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो सेंट्रल लोकेशन मतलब तुम्हारा मेन जो हेड ऑफिस का जो सर्वर है वहां पे, ठीक है, फाइल, स्पेशली फाइल का अपलोड एंड डाउनलोड। तो उस केस में हम लोग एफटीपी सर्वर का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एफटीपी सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर होता है, तुम रिमोटली कहीं से भी उस सर्वर में डाटा को अपलोड कर सकते हो, और उसी एफटीपी सर्वर से फाइल तुम कहीं से भी तुम रिमोटली फाइल डाउनलोड कर सकते हो। बस समझ में आ रहा है ना। तो यही एफटीपी सर्वर स्पेसिफिकली फाइल का बात हो रहा है, ठीक है। तो फाइल जो है हम लोग एफटीपी सर्वर में, तो हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे सीखेंगे कि एफटीपी सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है इन लिनक्स सिस्टम में, ओके। तो एफटीपी सर्वर को बाकी जो है जब प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आ जाएगा एफटीपी सर्वर का रोल क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे एफटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है लिनक्स सिस्टम में। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं CentOS 7 और ये RH मतलब रेड हैट लिनक्स, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे CentOS का मैंने इसका जो टर्मिनल है उसको ओपन करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, CentOS का जो इसका जो टर्मिनल है उसको मैंने ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को ये चेक करना है कि यहाँ पे एक पैकेज FTP के लिए पैकेज का नाम हो गया VSFTPD, ठीक है। तो वो पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल है कि नहीं वो चेक करना है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए तुमको पता है लास्ट टाइम भी मैंने किया था, क्वेरी क्या है RPM-QA और ये तुम QA मतलब क्वेरी ऑल, उसके बाद पैकेज का नेम क्या है VSFTPD, ठीक है। ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं तुमको पता करना है, अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर है तो इसको तुम लीव कर दो इसे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, अगर इंस्टॉल है तो यहाँ पे उसका नाम शो हो जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है उसका नेम एंड वर्जन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पैकेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल नहीं, तुमको करना क्या है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो यम इंस्टॉल और उस पैकेज का नेम, यम इंस्टॉल और उस पैकेज का नेम VSFTPD, ठीक है। पैकेज अगर इंस्टॉल नहीं तो इस तरह से तुमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। पहला काम तो ये हो गया। सेकेंडली एफटीपी से जुड़ा हुआ जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो कहाँ पे होता है, उसका लोकेशन हो गया तुम्हारा इसका लोकेशन हो गया ETC के अंदर VSFTPD नाम से एक फोल्डर है, और उसी के अंदर VSFTPD.conf नाम से .conf VSFTPD.conf नाम से क्या हो गया नहीं आ रहा है क्यों VSFTPD.conf, ठीक है। तो सॉरी मैं तो यहाँ पे सीडी कर रहा हूँ, तो सीडी में इसका जरूरत नहीं है, ये तो फाइल हो गया ना। तो ये एक लोकेशन है, इस लोकेशन पे क्या है तुम्हारा एफटीपी से जुड़ा हुआ जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहीं पे होगा, और उस फाइल को तुम एलएस करके देख सकते हो, फाइल का नाम क्या है VSFTPD.conf, ठीक है, ये वाला फाइल है। तो यहाँ पे हम लोग इस फाइल को मॉडिफाई करेंगे, इसको हम लोग को थोड़ा चेंजेस लाना होगा। तो अगर इस फाइल में चेंजेस लाने से पहले तुम एक काम कर दो, इस फाइल का तुम एक कॉपी बना के रख दो, ताकि अगर गलती से ये फाइल मैंने खराब हो गया, मेरा करप्ट हो गया, तो मैं उस कॉपी से इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो कॉपी बना के लिए तुम यहाँ पे लिखो CP, और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से एक कॉपी बना हुआ है, शायद मैंने किसी दूसरे बैच को दिखाया था इसीलिए इसी नाम से पहले से भी एक बना हुआ है। चलो हम लोग पूरा प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगर इस फाइल को तुमको अगर कॉपी बनाना है, मतलब इसका एक बैकअप फाइल तुमको बना के रखना है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, सीपी मतलब कॉपी, और उसके बाद उस फाइल का नेम .conf, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी नाम दे दो, मैं यहाँ पे वही नाम दे रहा हूँ VSFTPD.conf.default, जरूरी नहीं कि तुमको यही नाम देना है, तुम तो कॉपी बना रहे हो बैकअप के लिए, ठीक है, दूसरा कुछ नाम देके भी इस फाइल को बना सकते हो। तो मैं वही नाम देके जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ, एंड मतलब क्या होगा कि उसी लोकेशन पे इसी नाम से और एक तुम्हारा सेम फाइल क्लोन फाइल
क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि ओवरराइट, मतलब कि मैंने पहले से ये फाइल बना हुआ है, तो यहाँ पे ओवरराइट का ये क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग इसको यस करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा। तो तुम्हारा काम क्या होगा, तुमको सबसे पहले ये जो फाइल है तुम्हारा केस में ये फाइल रहेगा, और इस फाइल को तुमको एक बैकअप फाइल बना के रखना है, ताकि अगर, क्योंकि हम लोग इस फाइल को मॉडिफाई करेंगे और इसमें अगर कुछ भी गलती हो गया वो बैकअप इसको हम लोग रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है। दरअसल क्लियर हो गया बात, पहला काम पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसके बाद इस फाइल का एक कॉपी बना लो। थर्ड काम क्या है, अभी इस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस क्या करना है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस फाइल में पहले से ही मॉडिफिकेशन करके रखा है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या मॉडिफाई करना है वो तुम लोग देख लेना। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ यूजिंग वी आई एडिटर, और उसके लिए मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ bsftpd.conf, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, और कहाँ कहाँ यहाँ पे तुमको मॉडिफिकेशन करना होगा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे जो एनोनिमस एनाबल इसको तुमको नो रखना है, अगर ये येस है तो इसको तुमको क्या रखना है, नो रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। एनोनिमस एनाबल को नो रखना है, उसके बाद ठीक नीचे जाना है, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है लोकल एनाबल, ये वाला लाइन है, ठीक है। ये जो लोकल एनाबल इसको तुमको येस करना है, ठीक है, ये लोकल एनाबल को यस रखना है। और उसके बाद राइट एनाबल ये जो है ये अगर नो है इसको तुमको यस करना है, मतलब अगर इन सब के अगर कमेंट है, अगर इन लाइन के आगे तुमको अगर हैश दिख रहा हो तो हैश को हटा देना है, हैश का मतलब वो कमेंट है, ठीक है। और अगर ये हैश के फॉर्म में तो हैश को हटा के इसको तुम एक कमांड एक तुम्हारा एक यहाँ पे एक तुम लाइन बना लो, कमांड लाइन बना लो, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करना है, एनोनिमस एनाबल नो, लोकल एनाबल यस, अगर आगे हैश है तो हैश को हटा देना, ठीक है। और अगर यहाँ पे यस है तो नो लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिख लेना तुम लोग, ठीक है, वैसे ही उसको मॉडिफाई कर लेना। एनोनिमस एनाबल नो, लोकल एनाबल यस, राइट एनाबल यस। इसके अलावा और भी कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है, इस फाइल का थोड़ा नीचे जाएंगे। देखो ये सब लाइन पहले से ही लिखा हुआ रहता है, बस तुमको यस या नो जो भी हो करना है, जैसे मैंने दिखा के रखा है उस तरह तुमको इसको कॉन्फिगर करना है। और अगर आगे हैश है तो हैश को तुमको हटा देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे, बाकी जैसे उसको ऐसे रहने दो, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना हम लोग को। नीचे जाएंगे यहाँ पे, और भी मैं बोल रहा हूँ जैसे, और थोड़ा हमको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, अभी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये वाला वाला, ठीक है। ये जो ch root local user yes, इसको yes रखना है, ch root underscore local underscore user, ये ऑप्शन इस लाइन में इसको तुमको yes रखना है। और इसका नीचे ये वाला लाइन, मैंने फिलहाल ये वाला लाइन मैंने मैन्युअली टाइप करके रखा है, अगर तुमको ये लाइन ना मिल रहा हो तो तुम वहां पे मैन्युअली लाइन टाइप कर देना। लाइन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, allow underscore writable underscore ch root equal to yes, ठीक है। अगर ये लाइन है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसको तुम लोग खुद से एक बार मैन्युअली टाइप कर लेना। तो ये दो ऑप्शन, पहला तो हो गया ch root local user, उसको yes रखना है। सेकंड जो हो गया allow writable ch root, इसको भी तुमको yes रखना है। फिर नीचे जाना है तुमको, और यहाँ पे नीचे आने के बाद अभी और दो तीन लाइन तुमको मॉडिफाई करना होगा, यहाँ पे एकदम लास्ट में जाना है, अभी हम लोग को आखिर में जाते हुए यहाँ पे आना है हम लोग को, यहाँ पे ये लास्ट है यहाँ पे, तो ये फाइनल लाइन है हमारा। यूजर लिस्ट एनाबल इसको यस रखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है उसको ऐसे ही रखने दो, यूजर लिस्ट एनाबल यस रखना है इसको। उसके बाद यूजर लिस्ट फाइल, उसके बाद यूजर लिस्ट फाइल, और ये वाला पाथ तुमको यहाँ पे प्रोवाइड देना होगा यहाँ पे। और अगर ये वाला लाइन यहाँ पे लिखा नहीं है तुम लोग मैनुअली टाइप कर लेना, जैसे मैंने लिखा है, मतलब एज इट इज तुमको रखना है, ठीक है। उसके बाद etc vsftpd यूजर लिस्ट, ये वाला लाइन में तुमको ये वाला पाथ तुमको मेंशन करना है, और इस पाथ के अंदर एक फाइल है यूजर लिस्ट नाम से, वो उसी नाम को यहाँ पे तुमको मेंशन करना होगा। और इसके बाद यूजर लिस्ट डिनाई यस, ये नो, सॉरी इसको नो रखना है। इसका मतलब क्या है कि एफटीपी इस ये अभी तो हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, एक एफटीपी सर्वर की तरह इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो रिमोटली जब भी कोई पीसी से जब भी इस एफटीपी सर्वर को एक्सेस करेगा, तो एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा, एक ऑथेंटिकेशन का जरूरत पड़ेगा ना। तो वो यूजर नेम कहां पे, वो कौन सा यूजर नेम होगा, वो यूजर इस लिस्ट में तुम्हारा मतलब रहेगा, कौन सा लिस्ट, यूजर लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो भी यूजर मतलब रहेगा उसको हम लोग यूजर लिस्ट एनाबल यस, मतलब वो जो यूजर लिस्ट हम लोग यूज करेंगे, ये वाला यूजर लिस्ट, इसको यूज करना है कि नहीं लॉगिन के लिए, हाँ यस एनाबल, हाँ इसको यूज करना है लॉगिन के लिए। और यूजर लिस्ट डिनाई नो, मतलब इसको डिनाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो यूजर लिस्ट है इसके अंदर जो भी यूजर से वही एफटीपी सर्वर में लॉगिन कर पाएगा, और इस यूजर लिस्ट को हम लोग यहाँ पे एनाबल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इतना सारा कब तुमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके बाद ज्यादा उतना खास मोटिवेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये सब करने के बाद इस फाइल को तुमको सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एस्केप प्रेस करते हुए कॉलन और उसके बाद डब्ल्यू क्यू, तुम लोग को पता है ये
मैं वीआईएम सेव कैसे करना है, मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूं, तो ये फाइल यहां पे सेव हो चुका है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, एक सेकंड रुको, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो गया हमको यहाँ पे एफटीपी सर्विस को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या है, सिस्टम सीटीएल एंड स्टार्ट वीएसएफटीपीटी, ये सर्विस को स्टार्ट करना है, और इसको अगर परमानेंटली स्टार्ट करना है तो सिस्टम सीटीएल एनाबल वीएसएफटीपीटी, एनाबल, अगर इसको परमानेंटली स्टार्ट करना है तो सिस्टम सीटीएल एनाबल वीएसएफटीपीटी, और अभी इसको तुम चेक करके देख सकते हो इसका स्टेटस कमांड लगाते हुए सिस्टम सीटीएल स्टेटस, ये सर्विस रनिंग मोड में है कि नहीं, अगर उसको चेक करना है तो स्टेटस लिखेंगे और यहाँ पे ये एक्टिव रनिंग है। ठीक है, स्टेटस के लिए अगर देखना है तो कमांड क्या है, स्टेटस सिस्टम सीटीएल स्टेटस वीएसएफटीपीटी, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी स्क्रीन को थोड़ा हम लोग कर लेते हैं क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो फायरवॉल है, फायरवॉल के थ्रू एफटीपी सर्विस को अलाउ करना है, तो फायरवॉल के लिए क्या लिखेंगे, फायरवॉल माइनस सीएमडी और उसके बाद माइनस माइनस परमानेंट, अगर परमानेंटली करना है तो परमानेंट लिखेंगे और उसके बाद माइनस माइनस, या तो तुमको अगर जोन स्पेसिफाई करना है तो माइनस माइनस जोन इक्वल्स क्या होगा, पब्लिक, जोन इक्वल्स पब्लिक होगा, और उसके बाद माइनस माइनस एड, माइनस माइनस एड क्या करेंगे, पोर्ट, या तो सर्विस या तो पोर्ट, ये तो दोनों ही कर सकते हो, तो मैंने पोर्ट दे दिया कितना, एफटीपी के लिए पोर्ट नंबर हो गया 21 जो कि टीसीपी के अंदर आएगा स्लैश टीसीपी। ठीक है, और अगर तुमको इसका पोर्ट इस ऑलरेडी इनेबल दिखा रहा हो, मतलब पहले से यहाँ पे इनेबल है, और अगर एफटीपी सर्विस को इनेबल अलाउ करना है तो उसके लिए सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस माइनस एड सर्विस लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे लिखना है एफटीपी। ठीक है, एंटर करेंगे, और ये भी एनाबल्ड है ऑलरेडी, तो दोनों ऑलरेडी पहले से इस फायरवॉल के थ्रू अलाउड है, फिर भी कमांड तुम लोगों को मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से फायरवॉल के थ्रू तुमको ये दोनों सर्विस को, ये एफटीपी सर्विस को अलाउ करना है, और उसके बाद ये जो फायरवॉल है इसको क्या करना है, रीलोड करने देना है। ठीक है, फायरवॉल माइनस सी एम टी, इसके बाद माइनस माइनस रीलोड, माइनस माइनस रीलोड, चलो सक्सेस। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसी यूजर अकाउंट से हम लोग इस एफटीपी सर्वर में लॉगिन करेंगे रिमोटली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा यूजर कहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग, यूजर हम लोग क्रिएट करेंगे होम डायरेक्टरी के अंदर, किसके अंदर, होम डायरेक्टरी, cd/home, पहले हम लोग होम के अंदर जाएंगे। ये डायरेक्टरी हम लोग क्यों क्रिएट करेंगे, यूजर होम डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, मैं क्या बोल रहा था, मैंने गलत बोल दिया, मुझे करना क्या यहाँ पे, अभी यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, तो यूजर अकाउंट के लिए मुझे डायरेक्टरी जाना नहीं है, मुझे यूजर एड कमांड लगाना है, कमांड क्या है, यूजर एड, ये मैंने तुमको पहले सिखाया था यूजर मैनेजमेंट के जब क्लास के थे मैंने तब सिखाया था, तो यूजर एड करने के लिए कमांड क्या है, यूजर एड, और क्या यूजर एड करना है तुम सोच रहे हो, जैसे मैंने दिया अनिल, अनिल नाम से मुझे यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, ये तो अनिल एफटीपी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अनिल एफटीपी नाम से एक यूजर अकाउंट क्रिएट होगा और इसका पासवर्ड सेट करूंगा, पासवर्ड के लिए पास WD, ठीक है, और उसके बाद अनिल कौन सा यूजर के लिए, अनिल यूजर के लिए मुझे पासवर्ड सेट करना है अनिल एफटीपी के लिए, तो एंटर प्रेस करूंगा और क्या पासवर्ड देना है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पासवर्ड, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, उसको रीटाइप करता हूँ मैं, यहाँ पे पासवर्ड को मैंने रीटाइप कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप कर लिया है कि यूजर अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद उस यूजर अकाउंट के लिए क्या करना है, मुझे एक पासवर्ड सेट करना है। जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले वो जो फाइल कॉन्फिगर किया था वहां पे तुम लोग को याद होगा, वो हम लोगों ने लिखा था कि यूजर लिस्ट, ठीक है, तो उस यूजर लिस्ट में हम लोग को क्या करना है, इस यूजर अकाउंट को एड करना है। अभी उस यूजर लिस्ट के अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं वो यूजर लिस्ट कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ, वो यूजर लिस्ट हमारा हो गया, डायरेक्ट में उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, उस फाइल का लोकेशन हो गया कौन सा, यूजर लिस्ट वाला फाइल का vi/etc के अंदर vsftpd, और इसी के अंदर यूजर लिस्ट वाला फाइल है। ठीक है, ये एक फाइल है, यूजर लिस्ट एक फाइल है, ये vsftpd फोल्डर के अंदर है और इसी के अंदर ये लिस्ट वाला फाइल है और इसी के अंदर मुझे अनिल एफटीपी को ऐड करना है। फिलहाल इसके अंदर अनिल एफटीपी नहीं है, मैं vi करके इसको ओपन करता हूं और तुम इसका नीचे जाके देख सकते हो, यहां पे तुमको कहीं भी अनिल एफटीपी दिख रहा है क्या, नहीं है, तो यहां पे यूजर, ये सब यूजर का नेम्स है और यहां पे कहीं भी मुझे अनिल एफटीपी नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसके अंदर अनिल एफटीपी ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट बाहर जाके इसको ऐड कर लेता हूं, क्यू कॉलन देते हुए
तो ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, या तो वहाँ पे डायरेक्ट जाके भी ऐड कर सकते हो, या तो यहाँ पे लिखो इको, उसके बाद पता है तुम लोग इस तरह से कैसे ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे अनिल एफटीपी, अनिल एफटीपी, और उसके बाद ये पाइप लगा दो, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है टीम, उसके बाद फाइनेंस ए, और उसके बाद वो फोल्डर, वो लिस्ट, वो फाइल का नेम, फाइल कहाँ पे है इसकी, उसके बाद VSFTPD, और उसके बाद यूजर लिस्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि अनिल एफटीपी नाम को इस एंट्री को इस फाइल में कर दो, ठीक है, इसका एंट्री इस फाइल में कर दो, इसका मतलब ये हुआ। तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और ये हो चुका है। एक बार हम लोग फिर से इस फाइल को चेक करके देखते हैं। फाइल को चेक करने के लिए VI/etc/VSFTPD यूजर लिस्ट एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आके देखो ये आया कि नहीं, शायद ऊपर में रह गया, ये नीचे देखेंगे हम लोग। हाँ, ये आ गया, और एफटीपी इस फाइल के अंदर लिस्ट में आ चुका है। मतलब इस लिस्ट के अंदर जो भी यूजर है वो एफटीपी से लॉगिन कर सकता है, मतलब एफटीपी सर्वर को लॉगिन कर सकता है, ठीक है, इन सबको लॉगिन अलाउड है। चलो यहाँ से बैक करते हैं हम लोग, एंड यहाँ तक तो हो चुका है, तो ये काम हो चुका है, स्क्रीन को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस नाम से एक यूजर, इस यूजर अकाउंट के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, कहाँ पे, होम डायरेक्टरी के अंदर। क्योंकि जब भी अनिल एफटीपी नाम से कोई भी किसी भी रिमोट सिस्टम से जब तुम इस एफटीपी सर्वर को लॉगिन करोगे, एक्सेस करोगे, तो वो यूजर सिर्फ अपना स्पेसिफिक फोल्डर को ही एक्सेस कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, देखो कोई भी तुम्हारा लॉगिन करेगा और तुम्हारा पूरा तुम्हारा सिस्टम को तुमको चाहिए कि उस पर एक पर्टिकुलर फोल्डर का ही तुमको एक्सेस देना है। मतलब ये तो एफटीपी सर्वर हो गया ना, अभी रिमोटली अनिल एफटीपी कोई दूसरा सिस्टम से लॉगिन करेगा, जब लॉगिन करेगा तो उसको पूरा सिस्टम का तो तुमको एक्सेस नहीं देना है, किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर का एक्सेस देना है। तो कौन से फोल्डर का, तो जो भी यूजर लॉगिन करे, मैं चाहता हूं कि जो भी यूजर इस सिस्टम में, इस एफटीपी सर्वर में लॉगिन करे, उसका अपना एक नाम, उसके हर उस यूजर के नाम से एक, मैं क्या कर दूं, एक फोल्डर बना दूं, तो जो लॉगिन करेगा वो अपना फोल्डर को ही एक्सेस करेगा, ठीक है, ताकि इसमें तुम्हारा एक सिस्टम एग्जीक्यूट रहेगा, तुम्हारा सर्वर को हर कोई, मतलब सर्वर का हर डाटा को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलो हम क्या करते हैं, होम डायरेक्टरी के अंदर अनिल एफटीपी नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, mkdir कमांड लगाएंगे और होम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नाम देंगे अनिल एफटीपी नाम से एक मैंने फोल्डर फाइल। अच्छा हाँ ठीक है सब, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे /home, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ls करेंगे, तो अनिल एफटीपी ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम लोगों ने बनाया था यूजर अकाउंट तो ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो अनिल एफटीपी बन चुका है, अभी अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, परमिशन दे देंगे, ठीक है, इस यूजर को, कौन से यूजर को, अनिल एफटीपी को, तो मतलब CH मोड लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, CH मोड, और जैसे मैं 757 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूटिवल, जो इसका ओनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूटिवल परमिशन, ये भी मैं तुम लोग सिखाया था फाइल परमिशन का क्लास में, 75 मैंने 0 दे दिया, ठीक है, अदर्स को मैंने 0 दे दिया, एंड जो इसका क्रिएटर है उसको मैंने 7 दे दिया, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूटिवल, और अच्छा उसके बाद कौन सा, ये /home/home इसके ऊपर देना है मुझे /home एंड उसके बाद अनिल एफटीपी, ठीक है, अनिल एफटीपी, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, और चलो इतना सारा हो गया, और कुछ करना है, दैट्स ऑल। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग एक बार स्क्रीन को क्लियर कर ले, बस समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। अगला स्टेप क्या है, हम लोगों ने एक फोल्डर बना लिया होम डायरेक्टरी के अंदर, तो जब भी अनिल एफटीपी किसी रिमोट सिस्टम से इस एफटीपी सर्वर को एक्सेस करेगा तो इसी फोल्डर का ही उसको एक्सेस मिलेगा, कौन सा फोल्डर का, अनिल एफटीपी फोल्डर का उसको एक्सेस मिलेगा, क्लियर हो गया ना बस। एंड फाइनली और कुछ करना है क्या, आई थिंक इतना सारा हो चुका है, दैट्स ऑल। एंड अभी हम लोग को ये टेस्टिंग करना है रिमोटली, हम लोग दूसरे सिस्टम से इस एफटीपी सर्वर को एक्सेस, दूसरे, अभी फिलहाल तो मैं ये लिनक्स सिस्टम में हूँ और मैं इसी का ही जो इसका, अच्छा इसका आईपी क्या है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका आईपी हो गया ये 192.168.29.216, इस लिनक्स सिस्टम का आईपी, मतलब इस एफटीपी सर्वर का आईपी क्या है 192.168.29.216, तो मैं एक बार विंडोज सिस्टम से इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है, विंडोज सिस्टम से मैं इसका इस लिनक्स सिस्टम को जो अभी एफटीपी सर्वर के हिसाब से काम कर रहा है इसको मैं अनिल एफटीपी से एक्सेस करूंगा, इसके एफटीपी को एक्सेस करूंगा, तो मैं एक बार इसका लिंक चेक कर लूं, मैं इसमें विंडोज में आते हुए मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूं और एक बार उसके साथ इसका लिंक है कि नहीं पहले वो वेरीफाई कर लेते हैं, 29 डॉट कितना है 216,
ठीक है, तो रिप्लाई आ रहा है, तो मतलब इस विंडोज का उस लिनक्स सिस्टम के साथ मतलब एफटीपी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है, तो यहां तक तो ठीक है, चलो तो क्लियर कर लेता हूं। अगला स्टेप क्या है, अभी समझ लो कि जो ऑनली एफटीपी यूजर से हम लोग उस लिनक्स सर्वर का जो जो एफटीपी सर्वर है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे यूजिंग ऑनली एफटीपी यूजर अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे एफटीपी, अगर एफटीपी के थ्रू जैसे हम लोग टेलनेट किया था, अगर टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना था टेलनेट, ठीक है, और अगर एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना था लिखते हैं हम लोग एसएसएच, तो अगर एफटीपी किसी एफटीपी सर्वर को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एफटीपी। ठीक है, और उसके बाद उसका आईपी 192.168.29.216, ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो यहां पे यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर हम लोगों ने कौन सा कॉन्फिगर किया था, अनिल एफटीपी, ठीक है, अनिल एफटीपी, और उसका पासवर्ड मांग रहा है, तो जो हम लोगों ने पासवर्ड देते हैं वही डाल रहा हूं यहां पे अभी। चलो मैंने पासवर्ड दे दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है, मतलब अभी अनिल ने अनिल एफटीपी के नाम से यूजर अकाउंट के नाम से हम लोगों ने यूज करते हुए हम लोगों ने एफटीपी सर्वर को विंडोज सिस्टम से एक्सेस कर लिया। अभी इस पर्टिकुलर लॉग, देखो अभी मैं कहां पे हूं, मैं अभी विंडोज पे हूं और हम लोगों ने एफटीपी सर्वर मेरा कौन सा है, लिनक्स है। ठीक है, अभी यहां पे हम लोग बहुत सारा कमांड डाल रहे, जैसे dir कमांड, मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ खाली है, और जो ओनली एफटीपी वाला फोल्डर है वो तो खाली है ना। चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो ओनली एफटीपी वाला मैं इस लिनक्स सिस्टम में जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसका जो ओनली एफटीपी वाला फोल्डर है मैं एक बार इसका सीडी यहाँ पे करता हूँ ओनली एफटीपी। ठीक है, इसके अंदर मैं एक कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक फाइल बना दिया toch touch नाम से एक फाइल बनाता हूँ, जैसे मैंने t1 नाम से एक फाइल बना दिया। ठीक है, और एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir नाम से, जैसे f1। तो मैं यहाँ पे मेरे पास दो चीजें, एक तो हो गया फाइल, दूसरा हो गया क्या, एक फोल्डर। ls करके देखो, एक f1 है जो कि फोल्डर है, t1 जो कि फाइल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एफटीपी सर्वर में आते हुए मैंने इस अनिल एफटीपी का जो होम लोकेशन है वहां पे जाके मैंने ये काम किया। अभी चाहता हूँ कि जो रिमोटली अगर अनिल एफटीपी यूजर अकाउंट अगर उसको एक्सेस कर रहा है एफटीपी सर्वर को, तो उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये कहाँ पे था, ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से एक बार तुम ls करके देखो, सॉरी dir करके देखो, ठीक है, dir करके देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो वही दो फोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है, एक तो हो गया f1, दूसरा हो गया t1। f हो गया d मतलब डायरेक्टरी और t मतलब फाइल, t1 क्या है, फाइल है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, एक स्लैश आ रहा है। तो ये हम लोग विंडोज से क्या कर रहे हैं, उस एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। अभी जो एक्सेस कर रहे हैं, अभी एफटीपी सर्वर में हम लोग फाइल अपलोड भी कर सकते हैं और उस एफटीपी सर्वर में जो फाइल उसको हम लोग यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो समझ, जो ओनली यूजर जो है वो बाहर कहीं पे है और बाहर से अपना लैपटॉप के थ्रू वो अपना सर्वर को एक्सेस कर रहा है, अपना सर्वर में जो एफटीपी लोकेशन है उसको एक्सेस कर रहा है, और वहां पे जो फाइल है वो डाउनलोड भी कर सकता है अपना सिस्टम में, या तो अपना सिस्टम से एफटीपी सर्वर में वो मतलब मेन लोकेशन को फाइल दे भी सकता है। तो चलो हम लोग फाइल को डाउनलोड करना अपलोड करना थोड़ा सीख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरा विंडोज सिस्टम में करंट लोकेशन कौन सा है, ये वाला सी यूजर्स यूजर वन। अभी मैं विंडोज सिस्टम में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हूं, जो भी मैं फाइल डाउनलोड करूंगा तो ये इस लोकेशन पे आ जाएगा, सी यूजर्स एंड यूजर नाम वन का जो फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल मेरा आ जाएगा। तो वहां से जो t1 फाइल है उसको मैं थोड़ा डाउनलोड करता हूं अपना विंडोज सिस्टम में। तो तुमको अगर यहां पे हेल्प चाहिए तो यहां पे हेल्प टाइप करना, यहां पे क्या-क्या कमांड अवेलेबल है, ये सब कमांड यहां पे अवेलेबल है, इन कमांड को तुम यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं दो कमांड का यूज करके दिखाता हूं। पहला तो हो गया फाइल को डाउनलोड करने के लिए, फाइल को डाउनलोड करने के लिए कमांड हो गया get। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ये get मतलब फाइल को तुमको डाउनलोड करना है। कौन सा फाइल, जो फाइल है नाम दे दो, मैंने दे दिया t1। एंटर प्रेस करते हैं, ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, फाइल डाउनलोड हो चुका है। अभी ये जो है t1 जो फाइल है एफटीपी लोकेशन से यहाँ पे इस विंडो सिस्टम पे आ चुका है, और इसका कौन सा लोकेशन पे आया है, इस लोकेशन पे आया है। तो इस लोकेशन पे जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार मैं इस लोकेशन पे जा रहा हूं, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर, और ये कहां गया, यूजर्स नीचे होगा, यूजर्स के अंदर यूजर वन है और इसके अंदर t1, इसके अंदर क्या है, ये देखो ये फाइल आ चुका है, t1 फाइल आ चुका है। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोगों ने एफटीपी से फाइल को डाउनलोड कर लिया है। अभी एफटीपी सर्वर में मुझे कुछ फाइल अपलोड करना है, चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी लोकेशन पे एक मैं फाइल बना लेता हूँ टेम्पोरली, ठीक है, जो कि मैं एफटीपी सर्वर में डाउनलोड अपलोड करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे दिया माई टेक्स्ट कर दिया, चलो माई टेक्स्ट .txt नाम का जो फाइल है, मैं चाहता हूँ कि ये अभी मुझे अपलोड देना है एफटीपी सर्वर में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे और यहाँ पे अपलोड देने के लिए कमांड क्या है, पुट, अपलोड करने के कमांड क्या है, पुट, और उसके बाद इस फाइल का नेम, माई फाइल क्या था, माई टेक्स्ट डॉट
txt, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। तुम ls करके देखो, बात यही है, वहां पे क्या मतलब, यहाँ पे ls में आ जाएगा ना, या तो dir में आ जाएगा। dir करके देखो, देखो यहाँ पे तीन फाइल आ चुका है, माई टेक्स डॉट txt। तुम चाहे तो यहाँ पे इसको तुम वहां पे जाके देख सकते हो, तुम अपना यहाँ पे लोकेशन पे जाके देखो, यहाँ पे ls करके यहाँ पे देखो माई टेक्स डॉट txt, मतलब ये वहां से अपलोड हुआ है फाइल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे तुम फाइल अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने कम्प्लीटली ये FTP सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और रिमोटली इस FTP सर्वर को एक्सेस करते हुए यहाँ पे फाइल कैसे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे इसके साथ ये हम लोगों ने यहाँ पे आज के क्लास में कम्प्लीट कर दिया है। दैट्स ऑल आज के क्लास का।